वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का यह दिन विश्व में हेपेटाइटिस नामक बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे एक अहम कारण है। हेपेटाइटिस बी लीवर को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है जो कि कभी कभार लीवर कैंसर का रूप ले लेती है। यह बीमारी पूरे विश्व के लगभग 325 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। हर साल इस बीमारी की वजह से लगभग 1.34 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। नागपुर के सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भंडारकर से विशेष चर्चा में। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस, जागरूकता, हेपेटाइटिस इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जागतिक स्तर पर मनाया जाता है। तो थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है। वर्ल्ड और डे तो सादे शब्द है, लेकिन हेपेटाइटिस, जहां पे भी आइटिस आता है वहां पे हम समझते कि वो पुर्जा सूजन है, लाल हो गया है, थोड़ा गर्म हो गया है, दर्द हो रहा है, इसको आइटिस कहते हैं। जैसे आपको मालूम है अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिक्स का अगर सूज जाता है आपको मालूम है ऑपरेशन करना पड़ता है। हेपेटॉस का मतलब है लीवर, तो लीवर पे जब सूजन हो जाता है, लीवर का साइज बड़ा हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स अंदर आ जाते हैं और लीवर का कार्य एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ये रोग जो है इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए WHO ने ये उपक्रम बहुत सालों से जारी किया जो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दो प्रकार से शरीर में उसका प्रादुर्भाव हो सकता है। एक कहलाता है एक्यूट हेपेटाइटिस, एक कहलाता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट का मतलब कुछ दिनों में शुरुआत होती है और अचानक वो रोग शरीर को पकड़ लेता है। क्रॉनिक का मतलब है जो धीरे धीरे आता है, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में। खासतौर से क्रॉनिक का डेफिनेशन किया गया कि 6 महीने के बाद अगर कोई लीवर की सूजन जारी है तो उसको क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। तो 6 महीना ये एक उसका कट ऑफ है, और कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक अगर वो लीवर पे सूजन आ जाना और उसके लक्षण हेपेटाइटिस के शरीर में दिखना, उसको एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। अब हेपेटाइटिस ये रोग जो है ये खास तौर से वायरस से होता है, लेकिन कभी कभी ये टॉक्सिन से भी हो सकता है। जैसे शराब के सेवन से भी हेपेटाइटिस होता है, उसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। कोई कभी कभी टीबी की दवाइयों से लीवर पे परिणाम हो सकता है उसको, और काफ़ी सारे ड्रग्स है उसको ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस कहते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का खास जो जोर है वो वायरस पे है, जो अनेक प्रकार के वायरस से ये जो हेपेटाइटिस होता है उसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें A, B, C, D और E ये 5 प्रमुख प्रकार के वायरसेस है। तो A, B, C, D और E, उसमें पहला A और आखिरी का E, ये जो है ये मुख से इसका प्रवेश होता है इस वायरस का शरीर में, जैसे कि प्रदूषित पानी से या कोई खराब प्रकार का अगर खाना, प्रदूषित खाना है तो खानपान से जो वायरस ए और ई शरीर में मुंह के रास्ते से अतड़ियों में जाता है, अतड़ी से फिर वो जाके लीवर में जाके बसता है और अपना लीवर को डिस्टर्ब करके हेपेटाइटिस करता है। और बीच के जो है ए और ई हो गया, बी सी और डी ये डायरेक्ट स्किन में से शरीर में आता है या कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह के ऊपर या गुदा मार्ग द्वारा या फिर जननेन्द्रिय द्वारा जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रूट है। तो ये बी सी और डी का जो संसर्ग है वो इस तरीके से होता है। तो अगर प्रदूषित ब्लड जो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर दिया तो हो सकता है। जैसे मैं बताया, अगर असुरक्षित लैंगिक संबंध अगर है और कोई अगर व्यक्ति को बी और सी, डी उतना इंडिया में दिखाई नहीं देता तो डी हम भूल जाते हैं, बी और सी का ही आज चर्चा करते हैं। तो बी और सी का जो संसर्ग है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, रॉन्ग डेंटल प्रैक्टिसेस से हो सकता है, अगर डॉक्टर के गलत इंस्ट्रूमेंट्स, गलत तरीके के इंजेक्शन, प्रदूषित इंजेक्शन, प्रदूषित नीडल्स,
प्रदूषित इंस्ट्रूमेंट्स और जैसा कि बताया असुरक्षित लैंगिक संबंध और एक प्रकार से बी और सी का ट्रांसमिशन हो सकता है माता से शिशु को, खास तौर से डिलीवरी के टाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो जब हेपेटाइटिस बी जिस माता को है, वो माता अगर जब जन्म देती है तो जन्म के दौरान ये हेपेटाइटिस बी माता से बालक को आ सकता है और वो आगे जाके एक्यूट क्रॉनिक हेपेटाइटिस बन सकता है। तो जब एक्यूट हेपेटाइटिस होता है किसी भी कारण से, ए बी सी और ई, डी को हम भूल जाते हैं, तो 99% लोग पूरी तरह बगैर उपचार के ठीक हो जाते हैं। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। जब हेपेटाइटिस एक्यूट रूप में शरीर में आता है, एक्यूट के लक्षण कौन से, अचानक भूख कम हो जाना, बुखार आ जाना, शरीर में पीड़ा, थकान महसूस हो जाना, उल्टी, नौशिया, वॉमिटिंग, ये सब चालू हो जाना और यूरिन और आंखों का पीलापन, तो ये है एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण। और जो अचानक कुछ दिनों में शुरू हो जाता है, तो ये जब हेपेटाइटिस होता है तो एक 4 से 6 हफ्ते में 99% लोग पूरे ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों का एक्यूट हेपेटाइटिस अप टू 6 मंथ चल सकता है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि 6 मंथ का एक कट ऑफ है, 6 महीने के ऊपर जब हो जाता है तो उसको क्रॉनिक कहते हैं। तो एक्यूट से क्रॉनिक होना बहुत मुश्किल रहता है। एक्यूट हेपेटाइटिस अपने आप पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन 1% हाँ जरूर वो घातक हो सकता है, भले वो किसी भी कारण से हो, ई से हो या बी से हो। ई और बी हमारे हिंदुस्तान में इस वक्त ज़्यादा चिंता का विषय बन गए ऐसे मैं मान सकता हूँ, क्योंकि सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर नहीं है तो ए और ई का ट्रांसमिशन होता है, और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सेफ सेक्सुअल हैबिट्स अगर नहीं है तो बी और सी का ट्रांसमिशन हो सकता है। तो कोई भी एक्यूट अटैक ये जानलेवा हो सकता है, लेकिन केवल 1% में। जहाँ तक क्रॉनिक का सवाल है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, तो जैसे मतलब ए और ई ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस नहीं होने देते। ए और ई हमेशा एक्यूट हेपेटाइटिस होता है ए और ई से, और जो 99% में पूरी तरह ठीक हो जाता है। बी और सी क्रॉनिक हेपेटाइटिस के रूप में प्रदर्शित हो सकते हैं। बहुत बार जब ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है तो बहुत बार उनको शुरुआत के एक्यूट के लक्षण दिखाई भी नहीं देते, जैसे अचानक बुखार आ गया, जॉन्डिस हो गया, ये जो खास एक्यूट के लक्षण है। जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है वो बहुत धीमी गति से शरीर में आता है, और पेशेंट जनरली कहता है कि कुछ महीनों से उसको अच्छा नहीं लग रहा, थकान महसूस हो रही है, भूख नहीं लगती, काम करने की इच्छा नहीं होती, वजन घटते जा रहा है, और हल्का सा कभी पीलिया दिखता भी या नहीं भी दिखता है, तो ये क्रॉनिक हो जाता है। तो क्रॉनिक को अगर क्रॉनिक को हमेशा ट्रीट करना पड़ता है। एक्यूट जैसे अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन क्रॉनिक की ट्रीटमेंट आवश्यक है, क्योंकि क्रॉनिक हेपेटाइटिस को अगर ट्रीट नहीं किया गया और वायरस से हो रहा है तो क्या देना पड़ेगा, एंटीवायरल मेडिसिन देना पड़ेगा। अब और इसमें मेन है बी और सी, ए और ई से तो एक्यूट ही होता है, क्रॉनिक तो होता ही नहीं। तो प्रश्न होता है केवल बी और सी जिससे क्रॉनिक होता है, और बी और सी के खिलाफ प्रभावी एंटीवायरल मेडिसिन उपलब्ध है। और क्यों इनका उपचार करना चाहिए, क्योंकि बी और सी जब क्रॉनिक रूप में आते हैं, पेशेंट को पीड़ित करते हैं, तो अगर उसका समय पर उपचार नहीं, तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का रूपांतर सिरोसिस ऑफ लीवर में होता है। सिरोसिस काफ़ी दर्शकों को जानकर मालूम होगा कि सिरोसिस में लीवर का पूरा जो अंदर की रचना है पूरी अस्ताव्यस्त हो जाती है, पूरी नॉर्मल रचना उसकी खराब हो जाती है और लीवर का कार्य पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर के अंदर रक्त दाब बढ़ के उसको पोर्टल हाइपरटेंशन होता है पेशेंट को, जिसमें पेट में पानी हो जाना, जलोदर कहते हैं, खून का उल्टी हो जाना, कोमा में चले जाना, ये सारे प्रतिकार शक्ति शरीर की कम हो जाना, इन्फेक्शंस कैच करना, तो ये सिरोसिस के लक्षण। अगर क्रॉनिक को ट्रीट नहीं किया तो सिरोसिस हो सकता है, और सिरोसिस में कुछ पेशेंट्स को आगे जाके लीवर का कैंसर तैयार होता है। इसलिए क्रॉनिक हेपेटाइटिस ज़्यादा घातक होता है एक्यूट से, अगर उसको सही तरीके से उसको ट्रीट ना किया गया तो। खैर, जब भी लीवर पेशेंट के बॉडी को सपोर्ट करने में असक्षम हो जाता है, चाहे एक्यूट से हो या क्रॉनिक, एक्यूट में 1% में हो सकता है कि बहुत जानलेवा प्रॉब्लम शुरू हो जाए, और क्रॉनिक में जब क्रॉनिक को अगर सही समय पे ट्रीट नहीं किया और अगर सिरोसिस हो गया और लीवर फेल होना चालू हो गया, जो कि जीने के लिए
असक्षम हो रहा है तो उस समय लीवर ट्रांसप्लांट यानी लीवर का प्रत्यारोपण करके पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो हाँ जरूर, आपका जो शुरुआत में प्रश्न था, कोई भी हेपेटाइटिस घातक साबित हो सकता है, तो कोई भी हेपेटाइटिस को की तरफ दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए, उसको समय पे ध्यान देना चाहिए। बल्कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021 का ये घोष वाक्य है कि हेपेटाइटिस कैनॉट वेट, चाहे हेपेटाइटिस के लक्षण हो उसको तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, उसका निदान करना तुरंत करना जरूरी हो सकता है, जरूरी होता है, उसका इलाज करना जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज रुक नहीं सकती, ये आगे जाके खतरनाक साबित हो सकती है। तो हेपेटाइटिस कांट वेट, ये घोष वाक्य वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2021 का है। इसका परफेक्ट डायग्नोसिस करना जरूरी होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है कि उसको ये कौन सा प्रकार का हेपेटाइटिस है। ऑफकोर्स उसके लक्षण से हम सस्पेक्ट करते हैं कि एक्यूट लग रहा है या क्रॉनिक लग रहा है, तो उसको साबित करना जरूरी होता है। तो साबित करने के लिए हमारे पास जो साधन है, सबसे पहले होते हैं ब्लड टेस्ट, उसमें लीवर फंक्शन टेस्ट हम करते हैं कि पेशेंट का बिलिरुबिन कितना है, यानी जॉन्डिस के प्रमाण कितनी है, लीवर एंजाइम्स जो कहलाते हैं SGOT, SGPT और अल्कलाइन फॉस्फेटेज। एक्यूट में हजारों की मात्रा में इस एंजाइम्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उस फिर जब लीवर बहुत ज़्यादा फेल हो सकता है तो पेशेंट का खून पतला हो जाता है। मैंने बताया खून का उल्टी भी हो सकता है, लेकिन खून पतला होना एक लक्षण, उसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी प्रकार के रोगों से एक्यूट या क्रॉनिक में फर्क कर सकते हैं। और फिर वायरस कौन सा है, तो हर वायरस की अपनी खास टेस्ट मौजूद है। ब्लड से हम एग्जैक्ट पता चल कर सकते हैं कि पेशेंट को एक्यूट है या क्रॉनिक, और ए है कि बी है कि सी है कि ई है। पेशेंट की सोनोग्राफी करना पड़ता है, क्योंकि पीलिया ये कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई दूसरी वजह से हो सकता है, तो सोनोग्राफी से हमको ये पता चलता है, ये कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा एक कंफर्मेशन हो जाता है कि ये जो पीलिया है ये लीवर की वजह से है और ना कि फर्ज करो कैंसर या पित्त की पथरी इस प्रकार के रोगों से नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए सोनोग्राफी करना पड़ता है। अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस और सिरोसिस हो जाता है तो फिर पेशेंट की एंडोस्कोपी करके देखना पड़ता है कि कहीं आहार नली में वेंस, इसको इसोवेल वराइसिस कहते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया कि खून की उल्टी सिरोसिस और लीवर वालों को हो सकती है, तो एंडोस्कोपी करके वो डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये सारी हमारे पास रोग निदान करने के लिए ये चीज़ें उपलब्ध है। तो पहले रोकथाम के बारे में बात करते हैं। तो ए और ई का संसर्ग कहाँ से होता है, प्रदूषित पानी से होता है। सो सेफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरीवन शुड बी देयर। अगर खासतौर से बारिश के दिनों में कभी कभी सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर उपलब्ध नहीं है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप पानी को बॉईल करके ठंडा करो, एक 15 मिनट पानी को बॉईल करके, फिर उसको अगर ठंडा करके उसको अगर उसका हम सेवन कर दें तो सारे वायरसेस मर जाते हैं और वो पानी सेफ हो जाता है। और बी और सी का ट्रांसमिशन कैसे रोका जा सकता है, जैसे मैंने बताया सेफ ब्लड, सेफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सेफ डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, सेफ सुरक्षित लैंगिक संबंध। जब प्रिवेंशन की बात आती तो वैक्सीन्स के बारे में हमको ज़रूर चर्चा करना चाहिए। तो आज हमारे पास ये वायरसेस के अगेंस्ट क्या वैक्सीन उपलब्ध है, हाँ ज़रूर उपलब्ध है। कौन से वैक्सीन, कौन से हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन उपलब्ध है, तो ए के लिए उपलब्ध है और बी के लिए उपलब्ध है। और अगर कोई किस व्यक्ति हेपेटाइटिस के कॉन्टैक्ट में आता है, खासतौर से बी के, अगर किसी को मान लो खास हॉस्पिटल्स में देखा गया कि पेशेंट का इलाज करते करते अचानक नीडल, जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट की ब्लड की लगी हुई नीडल किसी के स्किन में अगर घुस जाती है तो इमीडिएटली उसको खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उसको फौरन दो प्रकार से वैक्सीन किया जाता है, पैसिव और एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव यानी फौरन इमीडिएटली प्रोटेक्शन देता है, और एक्टिव यानी फिर लंबे समय के लिए प्रोटेक्शन देता है। सेम वे जब हेपेटाइटिस बी अगर माता को है और उसका डिलीवरी जब होता है, तो जो न्यूबॉर्न है, जो शिशु है, उसको इमीडिएटली एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन देना पड़ता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में इंस्टेंट तुरंत एक प्रोटेक्शन मिल जाता है, ताकि बालक को एक्सपोज होने के बावजूद भी उसको हेपेटाइटिस बी का प्रभाव नहीं आएगा, और आगे जाके पूरे जीवन भर के लिए उसको एक्टिव हेपेटाइटिस बी टीका लगाकर उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है।
इसमें थोड़ी सी संभ्रम या अंधविश्वास अंधश्रद्धा है बहुत प्रचलित है। कोई गंडा बांधता है, कोई पीलिया को चूने से उतारता है, कोई जादू या टोना या अलग अलग तरीके से। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, किसी की भावनाएं नहीं दुखाना चाहता, पर इस सब की आवश्यकता नहीं होती है, ये फैक्ट है। क्योंकि ये एक्यूट हेपेटाइटिस है, अपने आप ठीक होने वाला है। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जैसा मैं बताया कि बी और सी के खिलाफ हमारे पास प्रभावी एंटीवायरल मेडिसिन उपलब्ध है, तो हर प्रकार का हेपेटाइटिस रोका जा सकता है, हर प्रकार का हेपेटाइटिस ट्रीट किया जा सकता है। और अगर गलती से हेपेटाइटिस का एडवांस रूप, कॉम्प्लिकेटेड रूप, अगर लीवर फेल्योर तक पहुंच गया, तो हमारे पास लीवर ट्रांसप्लांट उपलब्ध है। यही संदेश है कि आज कोविड का ज़माना है, तो कोविड के बारे में जितनी बात हो रही है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना, ये सबको पता है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और टीका लगाओ। तो उसी तरीके से हेपेटाइटिस, खास तौर से वायरल हेपेटाइटिस से अपना बचाव कीजिए। सेफ वाटर और सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैबिट्स, सेफ सर्जिकल हैबिट्स, सेफ सेक्सुअल हैबिट्स और सही तरीके का टीकाकरण करके अपने आप को बचाए रखिए।